हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जो अभी हाल ही में फ्रेंड्स वैकेंसीज आई हैं एसएससीबी की ओर से, फ्रेंड्स उसका सिलेक्शन प्रोसेस और फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका जैसे मैं ना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहाँ पे एसएससीबी सिलेक्शन प्रोसेस पैरामेडिकल एसआई एससी पीएचडी पीएसटी एग्जाम पैटर्न। ठीक है दोस्तों, हम इसके बारे में अभी इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं पीटी पीएचडी मतलब फ्रेंड्स फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका रेस हो जाएगी आपकी 3.2 किलोमीटर इन 14 मिनट्स में। ठीक है, और रेस आपकी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1.6 किलोमीटर विद इन 8.30 मिनट्स में। ठीक है दोस्तों, 8 मिनट में फीमेल के लिए इसमें रेस दी गई है और मेल के लिए 3.2 किलोमीटर 14 मिनट में। ठीक है दोस्तों, इसमें एसआई और एसआई एससी मिनिस्टर जो भी तीन पोस्ट जो हमें दी गई हैं दोस्तों, इन सबका जो फिजिकल की रेस के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पीएसटी के बारे में। ठीक है, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। आप नीचे दोस्तों, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के हाइट के बारे में। ठीक है, जो कैंडिडेट जनरल एससी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, और जिन्होंने एसआई स्टेनो एंड एससी मिनिस्टर की पोस्ट का फॉर्म फिल किया हुआ है उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ओनली दो पोस्ट में इतनी हाइट होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और जो अदर पोस्ट जिनका फॉर्म फिल किया आपने, जो इनसे अलावा पोस्ट है, उनमें आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी फ्रेंड्स कुमानी गोरखा डोगरा मराठा एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा अदर जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी यहाँ इस एरिया से बिलोंग करते हैं जो मेरे फ्रेंड्स, उनकी जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और जिन्होंने एसआई स्टेनो एंड एससी मिनिस्टर की पोस्ट भर रखी है उनकी जो हाइट है 162.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो एसटी कैटेगरी से हैं उनकी जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। जो लोग जनरल एससी ओबीसी कैटेगरी से हैं उनकी जो चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। 80 जो होती है मतलब बिना फुलाए और फुला के 85 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको एक्सपेंड भी बोलते हैं। और जिन्होंने एसआई स्टेनो एंड एससी मिनिस्टर की पोस्ट भर रखी है उनकी जो चेस्ट है 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी मेरे फ्रेंड्स कुमानी गोरखा डोगरा मराठा कैंडिडेट हैं जो मतलब कि नागालैंड या पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं दोस्तों, उनकी जो चेस्ट है 78 से 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो एसआई स्टेनो एंड एससी मिनिस्टर की पोस्ट भर रखी है उनकी चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो एसटी कैटेगरी से हैं उनकी जो चेस्ट है 76.81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 76 से 81 तक सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे वेट की बात कर लेते हैं। प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज, जो आपका वेट है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। जो फीमेल जनरल एससी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जिन फीमेल्स ने एसआई स्टेनो एंड एससी मिनिस्टर की पोस्ट फिल कर रखी है उनकी जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो फीमेल कुमानी गोरखा डोगरा मराठा एंड कैंडिडेट एंड सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय समथिंग जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन सब से मतलब बिलोंग करते हैं यहाँ पे रहते हैं, तो उनकी जो हाइट है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी फीमेल है उनकी जो हाइट है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट नोट एप्लीकेशन, चेस्ट उनकी कितने भी हो सब चलेगी। ठीक है, और वेट है उनका जो हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और लास्ट स्टेज में आपका जो थर्ड स्टेज आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ स्टेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम के बारे में आपको बता दूंगा यहाँ पे। आपका जो एग्जाम सिलेबस पैटर्न रहेगा यहाँ पे इस तरह रहेगा कि आपका जो पेपर है उसमें आपके दो पेपर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, जो आपका फर्स्ट पेपर है वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एंड जो सेकंड पेपर आपका टेक्निकल एग्जाम होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पेपर टू टेक्निकल एग्जाम। ठीक है, आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी 2 घंटे मिलेंगे एंड सेकंड पेपर के लिए भी 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, पेपर वन के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर वन में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा एंड 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मतलब आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकंड में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ से बोलते हैं, एंड थर्ड ऑप्शन में आपका जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एंड फोर्थ ऑप्शन में जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों में से आपको एक चूज करना है, आप इंग्लिश में चूज करो या हिंदी को चूज करो। ठीक है, आपको दोनों में से मतलब एक एक आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, एंड जो
टू क्वालिफाइज देनी पेपर, फर्स्ट यू विल हैव टू स्कोर मिनिमम 50% फॉर जनरल एंड ओबीसी 45% मार्क्स एंड एस सी एस टी कैंडिडेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग मतलब फर्स्ट पेपर में देंगे उनको जो जनरल ओबीसी से हैं जो उन्होंने 50% मार्क्स लेके आने हैं, और जो एस सी एस टी कैंडिडेट हैं उनको 45% मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हैं तो आपका सेकेंड पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर टू के बारे में। दोस्तों इसमें एसआई प्राइम मिनिस्टर एंड स्टाफ नर्स ऑफ टेक्निशियन डेंटल टेक्निशियन सिक्योरिटी गार्ड, फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं ये पोस्ट, इनका पेपर सब्जेक्ट टाइप में जो उसका सेकंड पेपर से बोलते हैं वो होना है, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट। टू क्वालिफिकेशन पेपर सेकंड यू विल हैव टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स ऑफ जनरल ओबीसी, 45% मार्क्स एस सी एस टी। दोस्तों जो आपका सेकंड पेपर है जो मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे एसआई पैरा मिनिस्टर टेक्निशियन और स्टाफ नर्स, फ्रेंड्स जिन्होंने ये पोस्ट फिल कर रखे हैं उनका सेकंड एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता दूं एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे 50% मार्क्स लेके आने और जनरल को और जो एस सी एस टी उनको 45% मार्क्स लेके आने। पेपर टू एस आई स्टेनो एंड एस सी मिनिस्ट्रियल, दोस्तों इनका भी जो सेकंड पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओनली इनका मतलब पेपर नहीं होना, ये आपका डिस्क्रिप्टिव में होगा, आपसे कुछ टेस्ट राइटिंग के लिए लिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पेपर टू एस आई स्टेनो एंड एस सी मिनिस्ट्रियल विल कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन टू टेस्ट द राइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ कंप्रिहेंशन वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ बिलो। दोस्तों जो मतलब जिन्होंने एस आई स्टेनो एंड एस सी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट फिल करी हुई है इसमें अभी, तो दोस्तों उनका कोई पेपर नहीं होना है इसमें, ठीक है। उससे हम ओनली आपसे एक पैराग्राफ राइटिंग के लिए दिया जाएगा ओनली बस, ठीक है दोस्तों, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इजी राइटिंग 25 मार्क्स की होगी आपकी, और प्रेसिज राइटिंग 25 मार्क्स की होगी, एंड लेटर राइटिंग अभी 25 की दोस्तों, एंड कम्प्रीहेंसन आपका 25 मार्क्स का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो आपके मार्क्स हैं इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% जनरल ओबीसी को लेके आने हैं और एस सी एस टी कैंडिडेट को 45% मार्क्स लेके आने हैं। और दोस्तों आप बात करें स्किल टेस्ट के बारे में, एस आई स्टेनो एंड एस सी मिनिस्ट्रियल का जो भी आपको फॉर्म फिल करा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है एस आई स्टेनो के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, 10 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट आपके होने चाहिए, ठीक है, 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। अगर आपका मतलब इनमें से फ्रेंड्स आपके पास एक एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपकी 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए दोस्तों, या फिर आपकी 50 मिनट इन इंग्लिश ऑफ और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, इतनी मतलब इतने मिनट आपको टाइपिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के बारे में। दोस्तों आपकी जो टाइपिंग दी गई 35 वर्ड्स पर मिनट दी गई है, और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट दी गई है कंप्यूटर पे दोस्तों, ठीक है। मतलब कि आपकी कीज हो जाती है 10,500 कीज आपकी हो जाती है इंग्लिश में, और 9,000 की आपकी हो जाती है हिंदी में दोस्तों, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 5 स्टेज में आपकी मेरिट लिस्ट हो जाएगी तैयार, ठीक है दोस्तों। और 5 मेरिट मेरिट के बाद दोस्तों आपका मेडिकल होना है, ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं मैं, आपके मेरिट लगने के बाद मेडिकल होना है, मेडिकल के बाद एक और फाइनलिस्ट लगेगी दोस्तों, इससे फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको इस रिलेटेड कुछ और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।